गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बैठ जा बैठ जा। क्या बात है सर, आज बात कुछ नजर आ रहे हैं, पढ़ाने का मूड नहीं है क्या आज? बेटा आज हम पीटने के मूड में नहीं है, कसम खा रहे कि आज हम किसी को पीटेंगे भी नहीं। आज तुम लोग जितना शैतानिया करना हो कर लो, क्योंकि हमें मालूम है कि सुअरों की क्लास में कोई एक लौंडा जो होशियार हो, सबके सब भट्ट गमार। अगर मैं इतने दिनों से कोई गधा को पढ़ाया होता तो वो भी कम से कम बोलना तो सीख गया होता। शरम आती हमें इस क्लास में आते हुए। सर जी आप हल्के में ले रहे हो। है क्लास के 30 मार खान। अबे सबसे गधा तो तू ही है, तू ही सारे लौंडों को तू ही बिगड़ाया है। अरे सर जी पहले कुछ पूछ के तो देखिए, पता चल जाएगा कौन गधा है कौन नहीं। अच्छा बेटा हमसे पंगा, तुमसे तो जरूर पूछेंगे। चल बता, एक आम के पेड़ पर 3 केले लगे हैं। सामू ने उसमें से 3 बैगन तोड़े, अब पप्पू को उसने 4 संतरे दिए। बता सामू के पास क्या बचा? सर जी बताओ। हाँ बता बता। सर जी 5 हाथी बचे। अबे हाथी कहाँ से आ गया बे? अरे तो सर आम के पेड़ में बैगन केले कहाँ से आ गए? सर जी मैं आपसे एक सवाल पूछूं। हाँ हाँ पूछ पूछ। सर जी एक ग्लास है, उस ग्लास में 4 हाथी बैठे हैं और उसमें एक हाथी और बिठाना है, बताइए कैसे बिठाएंगे? अबे गिलास में हाथी कहाँ से आएगी बे, बेवकूफ समझता है क्या? वो भी 5 हाथी। अरे सर आ जाएगी, दिमाग तो है ये नहीं है, बस बाल बुद्धि वाला काम करना है, दिमाग भी तो थोड़ा यूज कर लीजिए। अबे एक ग्लास में हाथी का पैर भी नहीं जाएगा, तू 5 हाथी को कैसे बिठाएगा बे गधे? अरे सर जब गधा है तो कहाँ समझ पाओगे? सर जी ग्लास था ग्लास, गिलास नहीं। और ग्लास का घर था मतलब शीशे का घर, 4 हाथी उसमें बैठे थे, 5वां हाथी आया तो दरवाजा खोल कर बिठा देंगे, इतना नहीं जान पा रहे हैं बाल बुद्धि इंसान। अबे तू अपने आप को बीरबल का काका समझ रहा है? चल मैं पूछता हूँ एक सवाल, उसका जवाब दे। हाँ तो सर पूछिए ना पूछिए। चल बता, मुर्गी अंडा देती है ना? हाँ मुर्गी अंडा देती है। बकरी दूध देती है? हाँ बकरी दूध देती है। अब ये बता दोनों कौन देते हैं? है बेटा फंस गया, बता बता। अरे सर सोचने तो दीजिए। हैं सोच सोच। सर जी बता दूं। हाँ बता। सर दुकानदार। अबे इसकी तो होशियार लौंडा निकला। सर जी दुकानदार अंडा और दूध दोनों देता है ना? हाँ बेटा ठीक है ठीक है। सर जी वैसे एक जीव और है जो अंडा और दूध दोनों देती है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, आपको तो मालूम नहीं होगा, पूछो तो बता दे। हाँ हाँ बता बता। प्लेटिपस, जो बत्तख मुंह वाली है, डॉग बिल प्लेटिपस कहते हैं उसको, वो ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। बच्चों अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे तो इसी जीव का नाम बताना। सर जी मैं आपसे एक सवाल और पूछूं। अबे कितना सवाल पूछेगा? सर जी आप ही कहते हो ना कि हम लोग गधे हैं। अच्छा बेटा उल्टा सीधा सवाल पूछ के गधा साबित करना चाहता है? अरे नहीं सर एकदम अच्छा सवाल पूछेंगे, बुद्धिमानी वाला जवाब दीजिएगा। ठीक है पूछ। एक नीम के पेड़ के नीचे 5 आदमी बैठे थे, ध्यान से सुनिएगा। हाँ ठीक है पूछ। पहला आदमी गूंगा था, दूसरा आदमी अंधा था, तीसरा आदमी बहरा था और चौथे आदमी का दोनों हाथ नहीं थे और पांचवे आदमी के दोनों पैर नहीं थे। अब ऊपर से एक आम गिरा तो बताओ सबसे पहले किसने उठाया होगा?
अबे ये तो आसान सवाल है, ये तो बच्चे लोग बता देंगे। हाँ तो बताओ ना। अबे गूंगा उठाएगा और कौन उठाएगा? गिंगे कहेंगे, दिमाग तो लगाइबे नहीं करेंगे, बस पगलैती करते रहते हैं। अरे दिमाग रहेगा तब तो लगाएंगे। अबे दूसरा आदमी तो अंधा था, वो देखेगा नहीं, वो कैसे उठा पाएगा? और तीसरा आदमी बहरा था, वो तो सुनेगा ही नहीं, तो वो कैसे उठा पाएगा? रही चौथे वाले की बात, तो उस आदमी के पास दोनों हाथ नहीं थे, तो नामुमकिन है उठाना। और पांचवे के पास तो दोनों पैर ही नहीं थे, चल ही नहीं पाएगा तो उठाएगा क्या? तो इसमें पहला गूंगा ही तो उठाएगा, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता ना। अरे सर दिमाग तो लगाइए, वो नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे तो आम कहां से गिरेगा? अरे साला ये तो हमको बेवकूफ बना दिया। सर जी अब बताइए कौन दम है? अबे तेरी कौन सा सवाल था? फिर ऐसे पूछेगा? अरे सर जी डम डम यू आर डम।